नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। हम बीएड सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक आपका ये भी है, समावेशी शिक्षा के दर्शन। समावेशी शिक्षा के दर्शन हमें किस तरीके से हो सकते हैं वो देखिए। सर्वांगीण विकास, अधिगम आवश्यकता की पहचान और विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। देखो बच्चों, पहले के वीडियोस में हमने देख लिया है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा वह मनोवृत्ति है जो बालक की विभिन्न शैक्षिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भी सभी बालकों को विशिष्ट बालकों के साथ एक साथ अध्ययन कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसी मनोवृत्ति समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो क्या है समावेशी शिक्षा? ऐसी मनोवृत्ति जो व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए सभी बालकों को एक जैसी शिक्षा उपलब्ध करवाना है, वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब बात आती है कि अगर समावेशी शिक्षा बच्चे को देनी है तो समावेशी शिक्षा में किन किन चीजों के दर्शन होंगे, कौन कौन सी चीजें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत करनी होगी। देखो बच्चों, आप सबको पता है कि अगर समावेशी शिक्षा देनी है तो उसका क्या होगा, बालक का सर्वांगीण विकास होगा। और सर्वांगीण विकास का मतलब बच्चों, मैंने आपको बताया था, बच्चे का संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सारा विकास अगर बच्चे का हो रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। लेकिन आप जानते हो कि हमारे समाज में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे रहते हैं। हमने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो शामपट को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं, जो ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, जो ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, जो ढंग से अधिगम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। तो इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा। तो सर्वांगीण विकास करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, नाम भी सुना होगा बच्चों, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, इस WHO ने इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की 3 कैटेगरियां बनाई है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। पहला है क्षति, दूसरा है निशक्तता और तीसरा है अपंगता। क्षति क्या होता है बच्चों? अगर किसी बच्चे का मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या संरचनात्मक कमी है किसी बच्चे में, मतलब ये है कोई बच्चा अधिगम असमर्थ है, कोई बच्चा स्नायु तंत्र से पीड़ित है, कोई बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, कोई बच्चा सेरेलम पॉल्सी से पीड़ित है, तो ऐसे बच्चे जो स्वर्ण बाधित है, दृष्टि बाधित है, ऐसे बच्चे, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें परिपक्वता देरी से आती है, कई संरचनात्मक कमियां होती है, ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्षति। मतलब ऐसे बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। ये कौन कह रहा है बच्चों? विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है। अब उसके बाद आता है बच्चों निशक्तता। निशक्तता क्या है? किसी कार्य को उस रूप में कर पाने की क्षमता में कमी। एक सामान्य बालक जो काम कर पा रहे, आप जान रहे हो कई बच्चे दैनिक कार्यकलाप नहीं कर पाते हैं, कई बच्चे जो है किसी कार्य को उस रूप में नहीं कर पाते, भाषाई अक्षमता होती है, कईयों में लिखने की अक्षमता होती है, कईयों में गणितीय अक्षमता,
होती है, तो उस रूप में उस कार्य को नहीं कर पाते हैं जिस रूप में एक सामान्य बालक कर पाता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, निशक्तता कहते हैं। या आप बोल सकते हैं कोई बच्चा चल पा रहा है, सामान्य बालक बच्चा चल पा रहा है, लेकिन एक व्हील चेयर पर चलने वाला बच्चा चल नहीं पा रहा है। किसी बच्चे का हाथ कटा हुआ है, किसी बच्चे का पैर कटा हुआ है, कोई बच्चा उंगली से लिख नहीं पा रहा है, तो ऐसे सभी बच्चों को हम निशक्तता की श्रेणी के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर आता है बच्चों अपंगता, व्यक्ति की प्रतिकूलतम परिस्थिति। मैंने आपको बताया था बच्चों कौन से बालक बताए थे मैंने आपको, अपवंचित बालक। कौन से बालक? अपवंचित बालक वो है जिनको शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक क्या नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलते हैं। वो समाज की मुख्य धारा से इस आधार पर पिछड़ जाते हैं कि उनके पास में अवसर नहीं है, उनके पास में शिक्षा नहीं है, उनके आसपास विद्यालय नहीं है, उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है, उनके आसपास का वातावरण ऐसा है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची नहीं हो पाती, तो ऐसे बालकों को हम अपंगता की श्रेणी के अंतर्गत शामिल करते हैं। लेकिन ये किस आधार पर? आयु, लिंग, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये सब अगर बच्चे में नहीं है तो वो बच्चे अपंगता वाले बालक समझे जाते हैं। तो आपने तीन प्रकार देखे बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्षति, निशक्तता और अपंगता। क्षति मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या संरचनात्मक कमी होती है। निशक्तता किसी कार्य को उस रूप में कर पाने की क्षमता में कमी होती है। अपंगता व्यक्ति की वह प्रतिकूलतम परिस्थिति जो दुर्बलता या असक्षमता के कारण जन्म लेती है। जैसे कि आप जानते हो बच्चों कि किसी बच्चे में दृष्टिहीनता है, शारीरिक विकलांगता है, ऑटिज्म है, सेरेलम पॉल्सी है, तो उन बच्चों में हीन भावना आ जाती है, महत्वाकांक्षा में कमी आ जाती है, वो बच्चे समाज के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे बालकों को अपंगता की श्रेणी में शामिल किया जाता है, ये हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है। तो बालक का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो इन तीनों स्थितियों को समझकर इनको शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाने होंगे, इनकी अधिगम की आवश्यकता को समझना पड़ेगा। तो बालक का अगर सर्वांगीण विकास करना है, हर बच्चे का विकास करना है, तो हमारे आसपास के जो भी बच्चे हैं, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताओं को हमें समझना होगा। और हमारी आजादी से पहले केवल हमारे जो शक्ति, निशक्तता और अपंगता, इनको ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक समझे जाते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कई बच्चों को इसके अंतर्गत शामिल किया, जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़े भी है बच्चों, कौन कौन से बच्चों को शामिल किया गया है, पिछड़े बालक, अधिगम असमर्थी बालक, इसके अलावा आप देखो इधर देख लीजिए, इसके अलावा आप बोल सकते हो दृष्टि बाधित बालक, स्वर्ण बाधित बालक, इन बालकों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यही कहता है कि इन सब बच्चों की आवश्यकताओं को पहचान कर उनके अनुसार उसको आवश्यकताएं उपलब्ध करवाना, शैक्षिक व्यूहरचना करना, तभी हम समावेशी शिक्षा के दर्शन कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा का सपना साकार हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो विभिन्न बच्चों की क्या करना पड़ेगा, उसकी निशक्तता को देखना पड़ेगा। अब कह रहा है अधिगम आवश्यकता, आप सब जानते हो कोई बच्चा दृष्टि बाधित है, कोई बच्चा स्वर्ण बाधित है, कोई बच्चा व्हील चेयर से चल के आ रहा है, कोई बच्चा पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित है, कोई बच्चा मंद बुद्धि है, कई बच्चे पिछड़े हुए हैं, कई बच्चे अपवंचित है, कई घुमक्कड़ जातियां ऐसी है जहां पर विद्यालय भी नहीं है, कई बालिकाएं ऐसी है कि वहां का सामाजिक वातावरण बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाना चाहता, तो ऐसे कई जो बालक है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। जैसे आप जानते हो कि कोई मंद बुद्धि बालक है तो उसकी शैक्षिक व्यूहरचना अलग होगी,
दृष्टि बाधित बच्चा है तो उसके लिए चश्मे का उपयोग किया जाएगा, शामपट पर मोटे मोटे अक्षरों से लिखा जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई है। तो इनकी अधिगम आवश्यकताएं क्या क्या होती है? स्वर्ण बाधितों की अधिगम आवश्यकताएं अलग होती है, दृष्टि बाधित बालकों की अधिगम आवश्यकताएं अलग होती है, शारीरिक बालकों की अधिगम आवश्यकताएं अलग अलग होती है। तो इन सबकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, इनकी अधिगम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना पड़ता है? शिक्षक व्यू रचना के आधार पर उस बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। उसकी सामाजिक परिस्थिति, उसकी सांस्कृतिक परिस्थिति, उसका भौगोलिक वातावरण, उसका सामाजिक वातावरण, विद्यालय संस्कृति, इन सब के बारे में अध्ययन करके ही हम समावेशी शिक्षा के दर्शन कर सकते हैं। तो पहला है कि अगर हमें समावेशी शिक्षा के दर्शन करने हैं तो हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होगा और उसकी अधिगम आवश्यकता को समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर किसी भी शिक्षक को अधिगम आवश्यकता की पहचान करनी हो तो उस शिक्षक को क्या करना पड़ेगा? कैसे पता करेगा कि किस बच्चे में कौन सी अधिगम आवश्यकता है और उनकी आवश्यकताओं को समझकर शिक्षक व्यूहरचना का निर्माण करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अधिगम आवश्यकता की पहचान करनी पड़ेगी। इसके लिए जिन्नर ने 1992 में इसके उपाय भी बताए हैं कि एक शिक्षक को अधिगम आवश्यकता की पहचान कैसे करेगा, एक शिक्षक अधिगम आवश्यकताओं को कैसे पहचानेगा? कौन? शिक्षक। राष्ट्र एवं समाज की भूगोली, आप सब जानते हो हमारे जब बीएड जो शिक्षणधारी है, जब आरटेट का एग्जाम हुआ या रीट का एग्जाम हुआ, उसमें राजस्थान की संस्कृति भी टॉपिक होती है। मतलब वो एग्जाम जो जिसमें जो टॉपिक है वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक टीचर को राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सभी परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। मान लो एक टीचर आदिवासी इलाके में उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ के कल्चर का भी उसको पता होना चाहिए, वहाँ की दुर्गम परिस्थितियों का उसको पता होना चाहिए, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति का पता होना चाहिए, वहाँ के जो जो त्यौहार वो लोग बनाते हैं उन सब का पता होना चाहिए, रीति रिवाजों का पता होना चाहिए, परंपराओं का पता होना चाहिए। तो अगर हमें सांस्कृतिक पहचान की समझ होनी चाहिए, यहाँ पर जातीय विविधता कितनी है, जाति के प्रति लोग कितना कट्टर है, उनको किस प्रकार समझाकर उनके बच्चों को विद्यालय में लेकर आना है, तो ये समझ जो है एक शिक्षक को होनी चाहिए। राष्ट्र में आप सब जानते हो बच्चों कि एक जयपुर है, जयपुर के आसपास का गांव है तो वहाँ की सुविधाएं अलग होगी, यहाँ पर बच्चा आसानी से विद्यालय आ सकता है, लेकिन एक पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में विद्यालय में अगर बच्चा आएगा तो उसको कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि एक शारीरिक बाधित बच्चा है और गांव में रह रहा है तो उसको चिकित्सकीय सलाह की आवश्यकता है, मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता है, किस प्रकार उस बच्चे को विद्यालय में लाया जा सकता है, इन सबको एक शिक्षक को समझना होगा। दूसरा है स्पष्ट और प्रभावकारी संवाद। देखो बच्चों, इस शिक्षण प्रभावकारी तभी हो सकता है जब शिक्षक और बच्चे के बीच में अंतःक्रिया हो, संवाद स्थापित हो। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि जो भी मैं वीडियो में बता रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आप जो चीज आपको समझ में नहीं आती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में संवाद स्थापित हो जाता है, टीचर समझने लग जाता है कि कौन सी विषय वस्तु बच्चे के समझ में आ रही है और कौन सी विषय वस्तु पर और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अभी हम कोरोना काल में ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, तो कोरोना के काल में जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है अगर उसमें संवाद स्थापित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो देखकर समझकर कॉपी में नोट डाउन करके और उसको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है? संवाद है। वैसा ही अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में संवाद होगा, अगर बच्चा अपनी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी समस्या
उस शिक्षक के पास जाकर के संवाद स्थापित करेगा, शिक्षक को बताएगा, तो शिक्षक उस अधिगम आवश्यकता को पहचान पाएगा कि किस बालक के साथ सामने कौन कौन सी समस्या आ रही है। आप सब जानते हैं बच्चों कि जब सामान्य बालक के साथ एक दृष्टिबाधित बालक, मंद दृष्टि वाला बालक खेलता है तो बच्चे उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो बच्चा अपने आप में हीन भावना का क्या करता है, अनुभव करता है। तो उसके अंदर जो हीन भावना आ रही है उससे निजात दिलाने के लिए शिक्षक को उस एनवायरमेंट का निरीक्षण करना पड़ेगा। तो इसके लिए, और उस बच्चा अगर टीचर को आकर के ये बात बताता है तो बच्चा जब इस प्रकार की बात बताएगा तो शिक्षक उसकी अधिगम आवश्यकता की पहचान कर पाएगा कि उसमें किस भावना का विकास हो रहा है। तो स्पष्ट और प्रभावकारी संवाद स्थापित करके भी टीचर अधिगम आवश्यकता की पहचान कर सकता है। आप जानते हो कोई विषय वस्तु आपके समझ में नहीं आ रही, प्रभावशाली बालक एक बार में समझ जाता है लेकिन मंद बुद्धि बालक से को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जब वह बालक टीचर को इस बात को बताता है तो टीचर अन्य तरीके से मानचित्र के द्वारा, चित्र के द्वारा, नमूना के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा या अन्य कई शिक्षक व्यू रचनाओं के द्वारा बालक को उसकी समझ विकसित कर सकता है, उसमें अधिकम क्षमता का विकास कर सकता है। अभिभावकों एवं समाज से मिलना। देखो बच्चों, किसी बच्चे की केस प्रोफाइल के आधार पर हम अधिगम आवश्यकता की पहचान कर सकते हैं। कोई बच्चा बार बार में गिर रहा है, कोई बच्चा बार बार में सिर में दर्द की शिकायत कर रहा है, कोई बच्चे के कान में दर्द हो रहा है, किसी बच्चे को ऊंचा सुनाई दे रहा है, कोई बच्चा व्हील चेयर पे चल रहा है, कोई बच्चा ढंग से चल नहीं पा रहा है, कई बच्चे शारीरिक व मानसिक रूप से अपने आप को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बालकों की पहचान करने के लिए अभिभावकों और वहाँ के समाज के साथ संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। किसको? टीचर को। तो टीचर अगर उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, अभिभावकों से बातचीत करेंगे, तो मैंने आपको सेरेलम पॉलिसी और ऑटिज्म में बताया भी है कि अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि बच्चे की विकास प्रक्रिया एक सामान्य बालक की तरह नहीं हुई है, तो वह बच्चा सेरेलम पॉलिसी का शिकार हो सकता है, ऑटिज्म से पीड़ित हो सकता है। कई बच्चों का परिवार का माहौल इतना तनावपूर्ण होता है कि बच्चा पिछड़ जाता है, अधिगम नहीं कर पाता, समाज के आसपास का जो पड़ोस का माहौल है वो अच्छा नहीं होता, तो बच्चा क्या हो जाता है बच्चों, पिछड़ जाता है। तो ऐसे माहौल में जब बच्चे पिछड़ जाते हैं तो इन सब चीज़ों का अगर शिक्षक आज अभिभावकों से संपर्क करेगा, समाज के लोगों से संपर्क करेगा, आस पड़ोस के लोगों से मिलेगा, समाज के लोगों को स्कूल में बुलाएगा, सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्कूल में आयोजन किया जाएगा ताकि बच्चे के बारे में शिक्षक जानकारी प्राप्त कर सके। अब बात आता है समान शैक्षिक अवसर। आप सब जानते हैं चाहे सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट आवश्यकता बालक हो, उसको समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अगर बच्चे को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं तो बच्चा पिछड़ जाता है, अधिगम क्षमता विकसित नहीं कर पाता है और वही बालक हमारे समाज में अपवंचित बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं, पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो सभी बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनको समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आयु, लिंग, जन्म आदि के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कोई बच्चा नीची जाति का है तो इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कोई लड़का या लड़की में किसी प्रकार की कोई विविधता नहीं होनी चाहिए। सह शैक्षणिक गतिविधियां, स्कूल में सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। आप सब जानते हो हमारी राष्ट्रीय नीति, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट,
आपका कोठारी आयोग सभी कौन सी गतिविधि पर जोर दे रहे हैं, सह शैक्षणिक गतिविधियों पर जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्कूल में खेल प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, अभिनय प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत का अलग से प्रतियोगिता, चित्रकला पर प्रतियोगिता, क्राफ्ट प्रतियोगिता, सभी कंप्यूटर प्रतियोगिताएं, विज्ञान के प्रोजेक्ट बनाने की प्रतियोगिताएं, मेहंदी प्रतियोगिताएं, कई ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चे को वोकेशनल कोर्स पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, जैसे कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 आई है वो भी ये कह रही है कि बच्चे की सह शैक्षणिक गतिविधि पर जोर देना चाहिए, बच्चे को खुला जोर देना चाहिए, बच्चा जो करना चाहे रुचि के अनुसार उसको सब्जेक्ट दिलाए जाने चाहिए। तो ये सभी शैक्षणिक गतिविधियों का अगर बच्चे को ज्ञान होगा, उसको पहले से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बालकों के साथ बच्चों पढ़ाया जाएगा तो बच्चा समाज के साथ समायोजन करना सीख जाएगा। मान लो विशिष्ट बालक को विशिष्ट माहौल में रखा गया, विशिष्ट शिक्षा अगर बच्चे को दी गई तो बच्चा ना तो सामान्य विद्यालय संस्कृति का हिस्सा बन पाएगा, न हमारे समाज का हिस्सा बन पाएगा, न हमारे परिवार का हिस्सा बन पाएगा। तो एक विशिष्ट बालक को अगर सामान्य माहौल दिया जाता है तो वो बच्चा भी कुछ समय बाद सामान्य बच्चों की श्रेणी में आ जाता है। आप सब जानते हो कि आज हमारे देश में आंशिक विकलांगता वाले 70% बच्चे हैं। उन बच्चों को अगर सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा दी जाए तो वो बच्चा समावेशित हो जाएगा और हमें समावेशी शिक्षा के दर्शन होंगे। अब है विशिष्ट अधिगम आवश्यकता। अगर हमें समावेशी शिक्षा के बच्चों दर्शन करने हैं तो हमें विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उन बच्चों के लिए हमें विशेष कक्षाओं का आयोजन करना पड़ेगा। मान लो दृष्टिबाधित बच्चा है, मंद बुद्धि बच्चा है, अपवंचित बच्चा है, पिछड़ा बालक है, अगर कि उसको कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आई या गणित की संक्रियाएं उसको समझ में नहीं आ रही तो गणित की विशेष कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। किसी बच्चे को विज्ञान समझ में नहीं आया, रसायन विज्ञान समझ में नहीं आया, फिजिक्स समझ में नहीं आई तो उन टॉपिक्स की अलग से कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए ताकि वो सामान्य बालक जैसा बन जाए, उसमें हीन भावना का विकास नहीं हो, सामान्य बालकों के साथ वो बच्चा समायोजित हो सके। तो विशिष्ट कक्षाओं का क्या किया जाना चाहिए, आयोजन किया जाना चाहिए। फिर है विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर मान लो बच्चा व्याख्यान विधि के माध्यम से नहीं सीख रहा है, ज्ञात से अज्ञात सूत्र के माध्यम से नहीं हो सीख रहा है, तो छोटे बच्चों को कल ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण, सतत समग्र मूल्यांकन, ABL, गतिविधि आधारित लर्निंग करवानी चाहिए बच्चे के साथ, क्रियाएं भी करवानी चाहिए, बच्चे को समस्याएं देनी चाहिए ताकि उन बच्चा जब छोटी छोटी चीजों को पैनल चर्चाएं हैं, आपका मानसिक उद्वेलन है, प्रायोजना विधि है, कई ऐसी विधियों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है विशिष्ट पाठ्यक्रम। आप जानते हैं कई बच्चे कठिन विषयों को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा जो पाठ्यक्रम हो वो लचीला होना चाहिए और पाठ्यक्रम में भी जो ज़्यादा बच्चे जो विशिष्ट कठिनाई से गुजर रहे हैं, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, पूर्ण रूप से दृष्टिहीन है, उन बच्चों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। उन बच्चों के लिए परीक्षाओं का आयोजन नहीं होना चाहिए लेकिन उनको माहौल सामान्य विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाना चाहिए या उन बालकों को ऐसा बना दिया जाना चाहिए कि कुछ समय बाद वो सामान्य बालकों के साथ सामान्य अध्ययन कर सके। उसके बाद आता है बच्चों क्या, अतिरिक्त समय। अब आप जानते हैं कि जिसकी विशिष्ट अधिगम आवश्यकता है, शिक्षक को क्लास में उस बच्चे को अतिरिक्त समय देना चाहिए, उसके साथ संवाद करना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, उसके पेरेंट्स के साथ मिलना चाहिए। तो अगर बच्चे को अतिरिक्त समय दिया जाएगा, बच्चे को विशिष्ट पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन करवाया जाएगा, विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग करवाया जाएगा, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा और बच्चे के साथ विशिष्ट व्यवहार, मतलब उसमें हीन भावना का विकास नहीं होना चाहिए, उस बच्चे
के सामने अभी प्रेरणा का माहौल, उसको बार बार मोटिवेशन मिलना चाहिए। अगर अधिगम असमर्थि वाले बालकों को बार बार मोटिवेशन दिया जाएगा, पुनर्बलन दिया जाएगा, तो वो बच्चा सामान्य बालक की श्रेणी में आ जाएगा। और प्रशिक्षण, आप जानते हो कई बच्चे अंधे हैं, तो ब्रेल लिपि के माध्यम से उनको पढ़ाया जाना चाहिए। तो विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करके, जैसे स्वर्ण बाधित बच्चे हैं या वाणी उच्चारण में जिसको कठिनाई है, तो उच्चारण दोष को दूर करने के लिए उन बच्चों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो अधिगम असमर्थता वाले बालक हैं, उनको ध्यान को एकाग्रचित करवाने के लिए उनको मेडिटेशन का अभ्यास कराया जाना चाहिए। कई ऐसी मोटिवेशनल बातें उनको बतानी चाहिए ताकि वो एक सामान्य बालक की श्रेणी में आ सके। तो आज आपने समावेशी शिक्षा के दर्शन में, समावेशी शिक्षा का दर्शन तभी किया जा सकता है जब सभी बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, जब उसकी अधिगम आवश्यकताओं को समझा जा सके, जब उसकी अधिगम आवश्यकताओं की पहचान की जाए और उनकी विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझकर उनको पूरा किया जाए, तभी हम समावेशी शिक्षा का दर्शन कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा के सपने को साकार कर सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा में इन चार चीजों के दर्शन होते हैं बच्चों। पहला सर्वांगीण विकास, दूसरा अधिगम आवश्यकता, तीसरा अधिगम आवश्यकता की पहचान, और चौथा विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। और इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के ये तीनों शब्द बच्चों जरूर याद रखना, बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक जिन्नर 1992 ने जो अधिगम आवश्यकता की पहचान के जो उपाय दिए उनको याद रखना है। राष्ट्र और समाज की भौगोलिक, जाति और सांस्कृतिक पहचान की समझ एक टीचर को होनी चाहिए। वह स्टूडेंट्स के साथ स्पष्ट और प्रभावकारी संवाद करे, अभिभावकों और समाज के साथ मिले, बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाए और विद्यालय में सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन इस प्रकार करे कि हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हर बच्चे का विकास हो, हर बच्चे को अनुकूलताएं मिले ताकि बच्चा अधिगम कर सके, अधिगम क्षमता में विकसित हो सके। अब आता है बच्चों समान सह शैक्षणिक गतिविधियां हो गई, अब इसके लिए हम विशेष कक्षाओं का आयोजन करेंगे, विशिष्ट शिक्षण विधियों का आयोजन करेंगे, विशिष्ट पाठ्यक्रम का आयोजन करेंगे, अतिरिक्त बच्चे को समय देंगे, विशिष्ट बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे, तो वो बालक समावेशी शिक्षा का हिस्सा बन जाएगा। और हमने देखा था पिछले वीडियो में, समावेशी शिक्षा एक ऐसी मनोवृत्ति है जो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए हर बालक को एक जैसी शिक्षा, एक जैसा माहौल, एक जैसी संस्कृति, एक जैसी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित करता है, अभिप्रेरणा प्रदान करता है, ताकि बच्चा प्रारंभ से ही समाज के माहौल से ढल सके और समाज में आत्मनिर्भर बन सके। तो आज हमने समावेशी शिक्षा के दर्शन पढ़े। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आप इस वीडियो पर लिखे हुए जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उनको साथ में लिखते जाइए, और आपकी समावेशी विद्यालय वाली जो बुक है उसमें ये जो नोट्स है उसमें बुक पढ़े, फिर इन नोट्सों को पढ़ेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से पिछले जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उनके आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं और उनका किस प्रकार उन लोगों को सॉल्यूशन देना है ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो तभी मेरा ये वीडियो प्रभावकारी बन पाएगा। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स कीजिए, शेयर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए और मेरे वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर कर सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।